दोस्तों, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो कल गुजरात में 89 सीटों पर चुनाव होना है। ये वो सीटें हैं जिसमें कि दक्षिण गुजरात भी आता है और सौराष्ट्र का हिस्सा भी आता है। 89 सीटों पर कुल 182 में से कल चुनाव है। हर चैनल पर, हर मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि फला पार्टी जीत रही है, ढिमका पार्टी जीत रही है। जाहिर तौर पर चुनाव का वक्त है, जानने में सबका इंटरेस्ट होता है कि कौन सत्ता में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे जो आज बात करने जा रहा हूं वह जीतने की प्रक्रिया कैसे होती है, उस पर बात करूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होता है। हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है और चुनाव में भागीदारी करने की आज़ादी है। लेकिन जब आप गुजरात में आते हैं तो यहाँ हालात कुछ और हैं। आप दो शब्दों को बखूबी जानते हैं, वो है, एक है हिटलर शाही और दूसरा है तानाशाही। दोनों करीब करीब एक ही जैसे शब्द हैं। इन दोनों शब्दों का गुजरात में आकर असल प्रैक्टिकल, असल व्यवहारिक ज्ञान आपको होता है। आप जब मतदाताओं से जनमत समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर जो विपक्ष के बोलने वाले लोग हैं, जिनका कि मत भाजपा के खिलाफ है, या फिर वह चुप रह जाते हैं, कन्नी काट जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, या एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं कि मैं नहीं उनसे बात करो, मैं नहीं उनसे बात करो। क्या यह लोकतंत्र में अपने आप है? क्या यह गुजरातियों का व्यवहार का तरीका है? क्या गुजराती जुबान नहीं खोलते हैं? प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि जैसा राजनीतिक माहौल और वातावरण गुजरात चुनाव से पहले तैयार किया गया है, हालत यह है कि युवा जो आदिवासी हैं, जो मुस्लिम हैं, जो दलित समाज से हैं, वह तो नहीं ही बोल रहे हैं, भाग जा रहे हैं, हट जा रहे हैं। सवर्ण युवा जो अपना मत रख रहे हैं, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। हर आदमी हमको यह कहते हुए मिल जाता है कि साहब, हमारी बाइट दिखाओगे तो हमें खतरा तो नहीं होगा। अगर दो दिन का मैं आपको अनुभव बताऊं तो एक सूरत में बाइट ली हमने, उसमें वह लड़का बार बार हमें कहता रहा कि आप हमारी बाइट डिलीट कर दें, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें लोग धमका रहे हैं और तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं सत्ता पोषित जो भी लोग हैं उनके द्वारा। वहीं कल एक बातचीत हमने की ड्राइवर से, उस ड्राइवर के मुंह पर हमें फेटा बंधवाना पड़ा सिर्फ यह बताने के लिए कि हर जगह ट्रोल पर, नाके पर पुलिस घुसखोरी करती है। और आप रात के 11 बजे अगर नहीं भरोसा है, किसी भी नाके से गुजरकर 10 मिनट रुककर देख लें, हर जगह पुलिस वाले वसूली कराते हैं। पुलिस वाले अपने ड्रेस में नहीं होते हैं, उनके चंटू मंटू पंटू वहां खड़े रहते हैं डंडा वंडा लेकर, और वह वसूली करते हैं। यह दोनों उदाहरण सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है तो चुनाव होने की प्रक्रिया आपको समझना होगा। आपको समझना होगा कि कैसे चुनाव आयोग इन तमाम मसलों पर चुप्पी साधे हुए है। यह आपको समझना होगा कि कैसे भाजपा के लिए विशेष लाल कालीन बिछाई जाती है और बाकी दलों को कोई पूछनहार नहीं है। उनके साथ न पुलिस है, न चुनाव आयोग है, न अन्य है। यह स्थितियां गुजरात में बहुत साफ दिखाई देती हैं। एक तरफ जनता है, सवाल यह है कि क्या जुबान पर ताले लगाकर कोई चुनाव होगा? क्या जनता अपना जनमत बोले बिना सही वोट करेगी? जो जनता हम पत्रकारों से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वह अपनी इच्छा और अपनी समझदारी और अपनी चेतना से वोटर बूथ तक पहुंच पाएगी बिना दबाव के? यह सवाल बहुत जरूरी है, तब जबकि कल पहले चरण का चुनाव है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, इस विश्लेषण से ज़्यादा जरूरी यह है कि चुनाव हो कैसे रहा है, कौन लोग किस तरह से बूथ पर पहुंच रहे हैं। अगर मुस्लिम बोलने को तैयार नहीं है, हमें एक बाइट मुसलमान युवा की या बुजुर्ग की नहीं मिली है जो कि मुस्लिमों के खिलाफ बयान, भाजपा के खिलाफ बोले। यहाँ हर टोपी दाढ़ी वाला भी व्यक्ति, जो कि देश में कहीं नहीं माहौल दिखता है, कहता है कि हम भाजपा को वोट देंगे। जब आप माइक हटाते हैं तब कहता है कि साहब, हम माइक पर नहीं बोल सकते हैं, कि हम किसको वोट दें। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी है
या कांग्रेस है वह आएगी कि नहीं आएगी, जब साहब उसके वोट देने वाले लोग ही अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, इस डर के माहौल में व्यापारी बोलने को तैयार नहीं, व्यापार बंद हो जाएगा, युवा बोलने को तैयार नहीं कि झगड़ा हो जाएगा, जो नौकरी करने वाले मजदूर हैं वो अपने मालिकों के गुलाम हैं, वो बोलने को तैयार नहीं कि मालिक नौकरी से निकाल देगा, जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं वो भाजपा की आलोचना नहीं कर सकते कि नौकरी चली जाएगी, जनता बोलने पर ताला लगा हुआ है। आप सोचिए मोरबी जैसा हादसा जहां 135 वो लोग मारे गए जिनका नाम बकायदा हाईकोर्ट में सरकार ने दाखिल किया है, वैसे वहां के लोगों का कहना है 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, वह मुद्दा नहीं बन पाया है इस चुनाव में। 150 लाशें जिन गलियों से गुजरी होंगी, आज 30 दिन पूरा हुआ है मोरबी हादसे के, जिन गलियों से गुजरी होंगी वहां लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता किसका दोष है। हम माइक लेके पहुंचते हैं और पूछते हैं कि साहब कौन किसको आप अपराधी मानते हैं, कौन दोषी है, लोग सरकार का नाम नहीं ले पाते हैं। सिर्फ श्रद्धा नहीं है, यह भय है, यह लगाव नहीं है, यह तानाशाही का परिणाम है। लोगों को लगता है 27 साल की गुजरात सरकार है, अगली बार फिर जीत कर आ गई तो हमारा भला नहीं होगा। एक पिता जो सूरत में था, बहुत ढंग से याद हमें, ओल पड़ा विधानसभा में, उसके बेटे से बात करनी थी हमें, लोग कह रहे थे ये बहुत अच्छा बोलता है। जब हम उससे बातचीत को हुए, उसके पिता बीच में आ गए और उन्होंने कहा मेरे बेटे को जज लोया नहीं बनना है। आप सोचिए गुजरात में चुनाव किस माहौल में हो रहा है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप पार्टी को जीतने जिताने की बात को नहीं समझ पाएंगे। यह बहुत जरूरी पहलू था जिसको कि आपको जानना चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रही, निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही, अगर किसी पार्टी विशेष यानी भाजपा के दबाव में चल रही है, पूरा तंत्र भाजपाई तंत्र में तब्दील हो गया है, तो जाहिर तौर पर इस चुनाव के मायने और मतलब खतरनाक होंगे। या 27 साल अगले 32 साल में बदलेगा, 32 साल 40 साल में बदलेगा, कहीं कोई रोक नहीं हो पाएगी। इसलिए जब तक अभिव्यक्ति और जनता अपने जनमत जो जिस राज्य में नहीं रख पा रही है, उस राज्य में दूसरी पार्टियां कैसे और किस रूप में जीतेंगी, इसके बारे में सुनिश्चित होना बहुत मुश्किल है। जनज्वार जनता की मीट।